गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पर्पल चैनल पर्पल चैनल। मुझे आ गया है और हैप्पी बर्थडे जिनका भी आज जन्मदिन है, रीडिंग करने के लिए आए हैं। रीडिंग कर लेते हैं बिना किसी देरी के। हम पहले हीलिंग दे देते हैं भाई, हम रोज़ भूल जाते हैं, आज भी भूल जाएंगे, किसी को गुस्सा आ जाएगा। है दो तीन दिन से कोई कह रहा है कि हीलिंग दे दिया कीजिए, हीलिंग दे दिया कीजिए। वाकई में किसी को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हमें समझ में आया है आपसे ज़्यादा किसी और को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है भाई, ठीक है। आपसे ज़्यादा किसी और को हीलिंग की ज़रूरत है, मतलब शायद आपसे जुड़े हुए कुछ लोगों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो आपके थ्रू हो सकता है उनको हीलिंग मिलती हो, और क्योंकि अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं तो कुछ लोग आपसे जुड़े हुए कभी आपकी ज़िंदगी में रहे हों शायद, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, आपसे उनको हीलिंग मिलती है। अब आप उनकी लाइफ में नहीं है ना, तो उनको वो हीलिंग नहीं मिल पा रही है, उनको ऐसा महसूस हुआ, पता नहीं किसके लिए है। और आप लोगों के लिए हमें एक चीज़ यहाँ पे इस हीलिंग बोल के साउंड से हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऐसी आई है कि आप लोग अब मल्टीपल टैरो रीडिंग्स नहीं देख रहे हैं। अगर कोई रिझने रिझाने वाला टैरो रीडिंग आपके सामने पॉपअप भी होता होगा ना कि रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, दिस इज़ ये अगले कुछ दिनों में होकर रहेगा, सो कॉल्ड वो रिझाने वाले थंबनेल्स देख के आप लोग वीडियोस पे क्लिक नहीं करते होंगे। आप सोचते होंगे अरे छोड़ो यार, जब होना होगा हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा ये लोग कौन है, आई एम प्राउड ऑफ यू। दूसरी बात, अगर तो आप वो वीडियो क्लिक करते भी होंगे, पूरा नहीं देखते होंगे, दो चार पाँच मिनट में ही हटा देते होंगे कि अरे हटा है सावन की घटा, रोज़ रोज़ ये रीडर वही बोलती रहती हैं, वही बोलता रहता है, ब्ला 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 ब्ला, कुछ हो तो रहा है नहीं। तो वो लोग भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमने ये हीलिंग साउंड, हीलिंग बोल से ग्रैब की है ये एनर्जीज, तो जैसा भी है अगर तो ऐसा है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब करते हैं रीडिंग, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाई दिया था हमें, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ स्टार्ट हो रहा है,
आपकी लाइफ में कुछ नया, बिल्कुल नयापन होता है ना, नयापन। लाइट सीयर्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमें नेहा तंवर जी ने गिफ्ट किया है। थैंक यू अगेन नेहा तंवर जी, गिफ्टेड डेक है वही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कार्ड फ्लिप हुआ है और ये कितना मोटा है, ऑब्वियसली हम इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसकी थिकनेस, ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स हैं लेकिन ये कार्ड हमें संभव दिखाई दिया है तो हम बता रहे हैं, ठीक है, बट हम लेंगे नहीं क्योंकि ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। जस्टिस, फाइनली अब हम लेंगे जो भी कार्ड आएंगे, ठीक है, लेकिन सिंगल ही ऑब्वियसली, ऐसे इतने सारे एक साथ चिपक के आएंगे तो नहीं लेंगे, ठीक है। देखते हैं आप लोगों की एनर्जीज कैसी है। यार ये कार्ड पहले भी आया, अभी भी आया है, बट हम लेंगे, लेकिन इसके नीचे एक और कार्ड है तो फोर ऑफ सोर्ड्स लग रहा है हमें, बट हम नहीं लेंगे, जो भी कार्ड हम देखेंगे नहीं, ये वाला कार्ड लेके रख देंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स पहले भी दिखाई दिया था, अभी भी दिखाई दिया, तो हम ले लिए हैं, ठीक है, अब जो भी आएगा देखा जाएगा, बट पेज ऑफ वॉन्ड्स समवेयर। बोर हो गए हैं आप, हम भी बोर हो गए हैं, और इंसान जब बीमार होता है ना तो वो बोर ही होता है, कुछ मन नहीं करता है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अब वाकई में हमें लग रहा है रुमाल लेके नहीं बैठे यार, एक मिनट, हमारा रुमाल तो यही है, बचपन से ना हम अपने स्लीव्स पे ही पोंछते हैं। हाँ तो क्या कह रहे थे, हमें लग रहा है कि कुछ तो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, पता नहीं हमें ऐसा लग रहा है, ये कोई प्राणी भी हो सकते हैं, कुछ कोई वस्तु टेंजिबल छूने लायक, कुछ भी ऐसा अपॉर्चुनिटी टाइप, कुछ भी ऐसा जो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है। आपका पैशन लौट के आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा जो आप बहुत लंबे टाइम से करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में लेकिन कहीं पर अटक गया हो, शायद नहीं किया आपने, रोक दिया उस चीज़ को, कोई सपना अधूरा, कुछ तो आपकी ज़िंदगी में आपको पुराना होता है ना, खोया हुआ आपका कोई एकदम पैशन पुनः लौट के आ रहा है। मतलब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा इस दौरान पे, आप ऐसी एनर्जीज में, वो भी तब जब आप मल्टीपल टैरो रीडिंग्स नहीं देख रहे हैं, और अगर देखते भी होंगे तो पूरा नहीं देखते होंगे, पूरा देख भी लेते होंगे ना अगर, तो ऐसा सोचते होंगे अरे यार हमारे लिए क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा हमारे लिए, लेकिन हो रहा है वो चीज़, वो होगा, मतलब अबंडेंस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, एक न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली है भाई, कुछ तो फ्रेश, बिल्कुल बोला ना नयापन, आपकी ज़िंदगी में नयापन लौट रहा है, अब कुछ भी पुराना पुराना नहीं रहेगा, नया नया। अब ये कोई मटेरियलिस्टिक गेन भी हो सकता है, हो सकता है आप अपने घर में कोई नई चीज़ ऐड कर रहे हो, होता है ना, कोई भी छोटी मोटी चीज़ मान लीजिए, जैसे हम एक नया टैरो डेक का हमारे
कलेक्शन में ऐड होना, एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप लोग कुछ नया खरीद लें, कोई नया कुशन कवर, सोफा कवर, पर्दे, मटेरियलिस्टिक थिंग, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, कोई बेडशीट, ठीक है, कुछ भी आपके जीवन में ऐड हो रहा है, डेफिनेटली नयापन, नयापन, फ्रेशनेस एक आएगी आपकी लाइफ में। यू विल फील हैप्पी, हैप्पी वाइब्स। वो क्यों कह रहे हैं, हमको शुरुआत में लग गया था इन दो कार्ड को देख के। उसके बाद इस कार्ड ने कन्फर्मेशन दिया है। हैप्पीनेस आप इन तीन कार्ड्स में अपनी देख सकते हैं। तो खुशी से जो होता है ना, कि कोई बिल्कुल खुशी से चहचहा उठता है ना, वैसी एनर्जीज है। आई सॉ 11-11। आप ना कंप्लीट फील करेंगे, यू विल फील हैप्पी एंड कंटेंट। एक अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग नहीं रहेगी आपके मन में। अनसर्टेनिटी मतलब किसी चीज़ को लेके ना एक होता है ना, एक कन्फर्म नहीं होता चीज़ों को लेके, एक मायूसी और एक रिलक्टेंस की भावना कि होगा नहीं होगा। अभी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, होना होगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अच्छा हो या बुरा हो, आपको उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस एनर्जीज में हैं। आपने अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अरे हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे आप पागल ही हो गए हैं, हैं, यू हैव लॉस्ट योर माइंड, हैं, बिल्कुल ऐसे पानी में कूदने की तैयारी कर रहे हैं, बताइए, ज़मीन पे ऐसे ऐसे किसी क्लिफ पे खड़े हैं और यहाँ पे नीचे इतना गहरा खाई है, पानी है, बट यू आर फ्री और ऐसे आप इंजॉय कर रहे हैं कि अगर आपको अब लग रहा है कि अगर आप ऊपर चले भी जाएंगे तो भी आपको सुकून ही मिलेगा, आपको ऐसा लग रहा है, मतलब अरे यार डिवाइन फेमिनिन क्या कर रहे हो, सारे फीमेल कार्ड हैं, बट दैट डजंट हैव टू बी, ठीक है। ओ तो ये है वो मामला, 10 of cups। अच्छा, आप अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको पता है क्या? आपके जीवन में कोई आ रहा है। अब हमको लग रहा है कि वस्तु, टेंजिबल नॉन टेंजिबल जो भी है, वस्तु है, अपॉर्चुनिटी है, जॉब ऑफर, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट है, ये है वो है, भौतिक सुख सुविधाएँ, मटीरियलिस्टिक गेंस, वॉट एवर, बट देर इज अ पर्सन ऑल्सो हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ टू मेक अ हैप्पी फैमिली विद यू। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर इस कार्ड का क्या काम है? एक चीज़ हमें और फील हो रही है, दुनिया से छुपके आप लोग अभी भी, दुनिया से छुपके आप लोग रोते हैं, अभी भी रोते हैं, अगर तो ऐसा है। और हमने आपको जैसा कि हीलिंग बोल के साउंड पे हमने बता दिया था आपको, कि अब आप टैरो रीडिंग्स, मतलब आपको इतना चीज़ें ना टेम्प्ट नहीं करती हैं, तो फाइनली आप रोते भी हैं अगर, 8 of swords है, बता देते हैं जो कार्ड आ रहे हैं वो हम बताते जाएंगे, वो चीज़ें आपको जो टेम्प्ट करती थी ना, अब बिकॉज यू आर नॉट गेट टेम्प्टेड एनी मोर, अब आप टेम्प्ट नहीं होते ना किसी चीज़ से, तो आपको वो चीज़ें स्टक रख नहीं पा रही हैं, ठीक है। लेकिन आपके एक माइंड के, एक देखिए होता है ना, दिमाग और दिल के बीच का संतुलन, बैलेंस मेंटेन करना, कभी कभार आपको दिमाग की सुननी पड़ती है, कभी कभार दिल की सुननी पड़ती है। एक मिनट, अरे बाप रे, बहुत ज़ोरदार बारिश आने लगता है। नहीं, बारिश नहीं आया, लगता कि पानी गिरा रहा था, देख के आते हैं, पहले रुकिए तो। ये
बारिश आ रहा है। हाँ तुम क्या कह रहे थे? 3 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग इस दौरान पे पहली बात तो एंजॉय कर रहे हैं, बारिशों का सीज़न है, कुछ लोग बारिश में बहुत मज़े कर रहे हैं, लेकिन दिन में कुछ और रात में कुछ और। रात में आप लोगों की एनर्जीज बिल्कुल अलग हो जाती है, दरवाज़ा खुल गया हम बंद कर देते हैं। मतलब हाँ दिन में कुछ और रात में कुछ और, मतलब अपने आप से, देखिए अपने आप से झूठ मत बोलिए, ठीक है? पहली बात तो अपने आप से झूठ मत बोलिए। आपकी एनर्जीज, आप लोग इतना खुश है शुरुआत में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब एक होता है ना अंधेरा, जब दिन की रोशनी में अलग होता है, जैसे ही दिन ढलने लगता है आपकी एनर्जीज धीरे 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 वही अंधेरे की ओर चली जाती है। आप फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं कल सुबह हो जाएगी तो फिर से हम वैसे नॉर्मल दिखाएंगे, प्रिटेंड करेंगे, दिखाएंगे जैसा है। कुछ लोग तो लिटरली प्रिटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग वाकई में अपने अंदर खुशी ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम समझते हैं, हम समझते हैं, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह पे सही हैं, गलत नहीं है। और इस दौरान पे ऑब्वियसली ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये दिखा रहा है कि मल्टीपल लोग आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं इस दौरान पे, लेकिन आप एंटरटेन नहीं करना चाहते अब किसी को भी। खासकर न्यू कनेक्शंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमने बोला ना कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आ रही हैं, समथिंग इज़ कमिंग जो आपको बहुत हैप्पी करेगा, लेकिन आप मानना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बोल दिया था कि टैरो रीडिंग्स अगर आप देखते भी होंगे, अगर वो पॉजिटिव टैरो रीडिंग में कुछ पॉजिटिव आता भी होगा, आपको लगता होगा कि हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये क्या क्या देखेंगे, छोड़ो यार। तो नहीं है, आपका मन नहीं है किसी चीज़ में भी, लेकिन एक बार बताएं आपको, हमने सुना है ऐसा कि जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना तब गॉड और यूनिवर्स जो है वो अपने उसी हिसाब से काम करता है, और जब आप बिल्कुल छोड़ देते हैं ना, आप सोचते हैं कि ये चीज़ तो होने का ही नहीं है, तब जाके वो चीज़ें होती है। इस समय आपने अपने आप को इसी एनर्जीज में रखा हुआ है, छोड़ दिया है, आपने सोचा है कि अगर हम पानी में गिर भी गए ना तो भी चलेगा, अगर नहीं गिरे तो भी चलेगा, ठीक है, जीवन को बिताना है, काटना है काट लेंगे, नहीं अपनी मतलब ऐसे ठीक है, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में है। लेकिन इस दौरान तो ना आप लोग कुछ अपनी ज़िंदगी की तमाम जो ख्वाबों ख्वाहिशाते हैं ना वो अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय पे। लेकिन वहीं पर हम आपको ये बताना ज़रूरी है कि कहीं पर आप स्टक अभी भी हैं, पास्ट में आप स्टक तो अभी भी हैं, क्योंकि देखिए कार्ड्स झूठ नहीं बोलता है, वो दिख जाता है, वो दिख जाता है, मामला समझ में आ जाता है। अभी भी कुछ पुराने ख्यालातों से आप बाहर नहीं आ पाए हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। तो 3 ऑफ कप्स के बाद ये वाला कार्ड आया, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको पता है, आप ना बोलते हैं ना राजा से रंक बनना, आप रंक से राजा बन रहे हैं।
आप रंक से राजा बन रहे हैं, मतलब आपको एक फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी। अरे यार एक मिनट, सॉरी। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी प्रदान की जाएगी, ये कोई पर्टिकुलर प्राणी भी हो सकते हैं क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये कोई प्राणी भी हो सकते हैं जो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी प्रदान करने आपके लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप एंटरटेन करने के मूड में नहीं है, वो भी तो फ्लो की एनर्जीज में है, लेकिन आप किसी भी प्रकार का कोई भी हर्टफुल जेस्चर नहीं उठा सकते, उठाने के लिए आप तैयार ही नहीं है, यू आर नॉट रेडी। तो कोई भी नया प्राणी, कुछ भी अपॉर्चुनिटी वगैरह आएगी, ऐसा लग रहा है जैसे आप वो रिस्क लेना नहीं चाहते, आप सिर्फ उस चीज़ के जिम्मेदारी लेना चाहते हैं जो आपसे होंगी, आप करेंगे जो, जैसे कोई भी काम, कुछ भी ऐसा जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट रहे, कोई और किसी और को लेके आप कोई भी रिस्क लेने के मूड में तो है नहीं, आप फिलहाल बस आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहते हैं इस समय के दौरान। बट किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑन द वे, कोई भी हो सकता है भाई जो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे कि भाई हमारे साथ काम करोगे, कुछ भी ऐसा। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको एक एस ऑफ पेंटिकल्स मनी आप बहुत ज़्यादा, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत वेल्दी पर्सन है, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये हो सकता है आपको अपना धन प्रदान करें। धन ऐसे कैसे धन प्रदान करेंगे हैं, खरीदेंगे आपको, गुलाम नहीं आप, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कैसे धन देंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, हर चीज़ के पीछे किसी ना किसी का कोई ना कोई मोटिव होता है, वैसे फ़िलहाल तो हमें कुछ बुरा नहीं लग रहा है, ऐसी एनर्जीज है नहीं, लेकिन आपकी एनर्जीज इस समय ऐसी है कि आप खुद ही एंटरटेन नहीं करेंगे आप किसी के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, ये बड़ा अच्छा लगता है हमें, ये कार्ड कह रहे हैं, कार्ड अच्छा लगता है, और इसके पीछे जो घोड़ा है ना वो भी अच्छा लगता है, हिंद का सितारा, ए राजा जी, अच्छा है ना, जो फूल है ना वो भी अच्छे लगते हैं, ये जो कपड़े पहने हैं ना और जो स्नीकर्स पहना है वो भी अच्छे लगते हैं। हीलिंग बोल रखा हुआ है, कुछ फ्रूट्स है, एक लेटर है यहाँ पे, वो भी अच्छा लगता है हमें। इसके हाथ में जो टैटू है ना वो भी अच्छा लगता है, जो हैट है ना वो भी अच्छा लगता है, बट ये नहीं अच्छा लगता, मजाक कर रहे हैं, अच्छा लगा, हैंडसम है ना, ये कार्ड अच्छा लगता है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, हमें नाइट ऑफ कप्स वैसे भी अच्छा लगता है, आपको पता है ना, नाइट ऑफ कप्स, ओह माँ वहीं पलट गया है, दो प्राणी, डिसीजन मेकिंग का टाइम आ रहा है, समबडी फ्रॉम, मतलब जिसके बारे में शायद आप सोचते हैं,
बात बीत चुकी है, पास्ट हो सकता है। अब आपको लगता होगा कि ये तो पास्ट हो गया, पुराना हो गया, नयापन नहीं है, लेकिन कोई समवन इज कमिंग जस्टिस के तौर पे। हाई प्रिस्टेस, आपको समझ आ जाएगा कि ये प्राणी कौन है। पाइसिस एनर्जी, लीब्रा एनर्जी, ठीक है, मेजर अरकाना है। पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, फूल है पाइसिस। हाई प्रिस्टेस पाइसिस, जस्टिस लीब्रा, ठीक है। बाकी सोर्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, सारे कार्ड मौजूद है भाई। आपकी लाइफ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफ़ी लोग आ रहे हैं। यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस टू मेक, आपके पास ना चॉइसेस रहेगी, आप मतलब चूज करने में, आपको ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे, चॉइसेस कह रहे हैं। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कुछ आने वाले समय में, फॉर श्योर। और आप तो भी ऐसी मस्तमौला की एनर्जीज में है, क्या डिसीजन लेंगे आप। यहाँ पे फूल का कार्ड है, यू आर इन दीज काइंड ऑफ एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज में आप हैं एकदम। पैसा आया तो आया, खर्च हो गया तो खर्च हो गया, जान दो यार, इतना लोड नहीं ले रहे आप बेसिकली। अभी की एनर्जीज ऐसी है। फाइनल कार्ड लेंगे, देयर इज एन ऑफर कमिंग, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन। पेज ऑफ वॉन्ड्स को पार्टनर किया है इसने, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ने। भाई अब आपकी जीत का समय आ गया है, फाइनली आप अपनी किसी लॉन्ग टाइम की कुछ बोया था ना आपने, उसका फ्रूट्स, उसका यू विल रीप द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आपकी मेहनत का परिणाम अब आपको मिलने का टाइम है। कार्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फूल, टेन ऑफ कप्स, ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स को छोड़ के बाकी सारे कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव हैं, ठीक है, टोटल 14 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, हाँ, फाइनली आप अपनी एक शील्ड में आ जाएंगे, प्रोटेक्ट, अपनी अपने अपना एक खुद का ऑरा बना लेंगे, खुद की हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे। आप इतने स्ट्रॉन्ग, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, हो जाएगी इस समय के दौरान, कि आपको पता होगा कि कौन लोग हैं जो आपके लिए सही हैं और कौन लोग आपके लिए सही नहीं हैं। तो आप किन किन लोगों को अपनी तरफ आने देना चाहते हैं, या किन किन लोगों से एक बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं, कौन कौन आपके जीवन में रहने लायक है, कौन कौन नहीं है, इसका बहुत अच्छे से आप फैसला ले पाएंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इस दौरान पे। वैसे भी न्यू मून है, न्यू मून का टाइम है, लोगों को ऐसा लगेगा कि आप, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, बट आप अपनी बंद आंखों से भी वो चीज़ें देख पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, आप अपनी बंद आंखों से भी काफ़ी चीज़ें देख पाएंगे। कहने का मतलब है आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको ड्रीम्स, आपको चीज़ें, मतलब यू विल बी एबल टू सी, यू विल एबल टू विजुलाइज, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें, कि आपके आसपास की चीज़ें क्या क्या चल रही है, आपको समझ आ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी एनर्जीज होने के बाद भी भाई आपको तो इस समय होता है ना, कि आपको तो इस समय आप, कोई आपके सामने कुछ कुछ बात धीरे धीरे भी बात करेगा, आप उसको भी सुन लोगे, मतलब ग्रैब कर लोगे, आपकी इतनी ज़्यादा, आप शुरुआत के कार्ड्स में ही हमको समझ आ गया था, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर इन योर बेस्टेस्ट एनर्जीज। बट वही है कि सम हाउ कभी कभार दिन में अलग, रात में अलग एनर्जीज आपकी, रात में अलग हो जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि क्या ही चल रहा है जीवन में, लेकिन सुबह होते होते आप लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आपने अपना वो दायरा, अपना शील्ड वो क्रिएट कर लिया है, यू आर नॉट हेयर टू एंटरटेन एनी मोर, एटलीस्ट दोज पीपल हु आर एडवांटेज टेकर्स, जो कि आपका फ़ायदा उठाते हैं, मौका परस्त लोग, ठीक है। आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बिल्ड किया है,
और कोई भी कितना भी आपको मतलब ये देखो ना, इतने सारे यहाँ से बॉन्ड एक एक करके आ रहा है, लेकिन इस शील्ड को तोड़ नहीं पाएगा कोई। आप अपने इतने अपने अपना इतना औहदा ऊंचा कर लिया है, और आपको पता है आपको ये बहुत जल्दी हो रहा है। पता नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है कि आज अगर जो डे पे आज देख रहे हैं, आने वाले नेक्स्ट वीक तक ये एनर्जीज ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी। यानी आज अगर फ्राइडे है तो कमिंग फ्राइडे तक हमने जो आपको बताया है, कुछ आपकी ज़िंदगी में नयापन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर श्योर कमिंग फ्राइडे तक। तो कुछ भी हो सकता है, आपको एक मेंटल हैप्पीनेस सुकून देगा। हमने बोला ना, छोटी से छोटी परचेज भी आपको बहुत खुश करेगी, आपकी ज़िंदगी में एक नयापन लेके आएगा। और क्या पता वो चीज़ उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो कि वो आपकी ज़िंदगी में और भी मेजर मेजर बदलाव और मेजर मेजर चीज़ें अट्रैक्ट करें। आप हू नोज़ यार, हो सकता है आप एक छोटा सा पेन खरीदें, ठीक है, लेकिन क्या पता व्हाट मैजिक माइट दैट पेन माइट ब्रिंग ना, व्हाट काइंड ऑफ मैजिक दैट पेन माइट ब्रिंग इन योर लाइफ। तो कहने का मतलब है, तो हम आपको आपको क्या पता है कि आपने एक छोटा सा पेन खरीदा और उससे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मैजिक आ रहा है। क्योंकि सब कुछ आपको पता है ना, एनर्जीज होती है हर चीज़ की। अब कभी कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि कोई आप एक चीज़ लेकर आते हैं घर में, उसके अगले दिन में घर में कलह हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो वो उसकी एनर्जीज हो सकता है वो ख़राब हो। तो बट आपकी कोई एक परचेज, आप कुछ भी घर में कुछ भी नयापन आपकी लाइफ में कुछ भी नया आने वाला है ना, दैट थिंग माइट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ न्यूनेस इन योर लाइफ, पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। हमने बोला ना, रंग से राजा बनेंगे आप। तो हो सकता है किसी वस्तु के माध्यम से हो, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के माध्यम से हो। बेसिकली आपको अब सड़क से उठा के ऐसे स्टार बनाया जाएगा आपको। मतलब कुछ होता है ना कि यू आर कमिंग इन टू स्पॉटलाइट, यू आर कमिंग इन टू, यू नो, यू विल बी ऑब्जर्व, यू विल बी एडमायर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, एक रिकॉग्निशन मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा। यू आर अट्रैक्टिंग सम काइंड ऑफ, यू नो, फेम। मतलब ज़रूरी नहीं है यार कि दुनिया पहचाने हमें, ठीक है। अरे मिस यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स थोड़ी बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। इतना बड़े बड़े हम नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी यार अपने कम्युनिटी में भी अगर आप पहचाने जाएँ तो सी वो, अरे क्या पहले क्या था अभी देखो क्या है, पहले क्या थी अभी देखो क्या है। तो मतलब एक होता है ना कि आप 100 लोगों में भी अगर जाने जाते हैं, अरे भाई बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर अपने सारे जो रिश्तेदार हैं उनमें भी अगर आप जाने जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। यू आर गोइंग टू, यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग ह्यूज, और ये कमिंग फ्राइडे तक हो रहा है। मुबारक हो। सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑन द वे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। और ऑब्वियसली देर इज़ अ लव ऑफर टू, बट ये लव ऑफर तो एक तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप जानते हैं उनसे हो सकता है, बट देर इज़ अ न्यू पर्सन ऑल्सो, ठीक है, बट समथिंग इज़ कमिंग वेरी फास्ट। नाइट ऑफ कप्स था और ये रहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और आने वाले फ्राइडे तक आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सन, गॉड ब्लेस यू। हम क्या और क्या और क्या बोले, इसमें नज़र ना लगे हैं, ये चीज़ हो बस फ्राइडे तक। हमको बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते ना कि मिनी ये हो रहा है, जजमेंट हमको मिल रहा है, जस्टिस आ गया है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि यार चलो यार, कुछ लोगों के जीवन में तो हो रहा है ना जो हमने बोला, किसी के लिए तो वो चीज़ें सत्य साबित हो रही है ना। बहुत बड़ी बात होती है, पता है, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। दूसरों को खुश देख के ना वाकई में बहुत सुकून मिलता है। और ये लोग ये बात वो लोग समझ पाएंगे जो वाकई में ऐसे, मतलब लगता है खुशी मिलती है तो लोग मिलती है। बट अब इतना आसान नहीं होगा आपको आपको पॉइंट करना, ठीक है। मतलब आप किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब फाइनली ऐसी एनर्जीज में है, आप किसी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मतलब अगर आपके पीठ पीछे बहुत बातें होती रही है ना, तो लोगों के मुंह बंद होने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि अरे यार बोला ना, रंग से राजा बनेंगे, सड़क से उठ के एकदम से एकदम ऊपर स्पॉटलाइट पे आएंगे। लेकिन वही है कि ग्राउंडेड रहिएगा, वो हम हमेशा बोलते हैं। कि अचानक से होता है ना कि कई लोग, हमने देखा है बहुत लोगों को ना, बहुत
गुरूर आ जाता है, वो नहीं आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। कर्मा बिलीवर्स में इतना है नहीं। वैसे वो कर्मा बिलीवर्स को तो पता है कि भाई कर्मा देवता लात मारते हैं, इसलिए वो लोग ज़मीन पे ही रहते हैं और ज़मीन पे ही रहेंगे। लेकिन फिर भी कभी कभार आता है, हर चीज़ का ना एक बोलता है ना, सर चढ़ के बोलती है चीज़ें, तो पैसा भी बोलता है, फेम रिकॉग्निशन ये चीज़ें भी बोलती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो भगवान करी ये चीज़ें हों आपके जीवन में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। और चलिए हम चलते हैं, खुश रहिए, आवाज रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए, है उससे हमको और कुछ नहीं कहना है। चलते हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे तबीयत कैसी है, तबीयत हमारी ठीक नहीं है, हम रीडिंग आपको पता है, हमने आपको बता दिया है रीडिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है, रोजी रोटी है हमारी, इसलिए करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।